नमस्कार। जम्मू कश्मीर में बहुत सी फसलों की खेती होती है, जिनमें से एक है मिलेट क्रॉप। मिलेट क्रॉप में आता है जैसे जवार, बाजरा, जौ, रागी। आज हम बात करेंगे बाजरे की। हम जानेंगे कि बाजरे की खेती कैसे होती है और बाजरे से क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से मिलेट फूड, जिसमें बाजरा भी शामिल है, इसे सरकार की तरफ से खास बढ़ावा दिया जा रहा है। हम जब अपने पारंपरिक अन्न की बात करते हैं तो बाजरा उनमें प्रमुख कहा जा सकता है। बाजरे की खेती सदियों से हमारे यहाँ गांव देहात में की जा रही है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी बड़े उत्साह से बाजरे की खेती करते हैं। अब तो बाजरे की खेती को पूरे देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे पौष्टिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। मिलेट फूड का अर्थ है मनुष्य के लिए जरूरी तत्व से परिपूर्ण एक अन्न। अधिक पौष्टिक होने की वजह से ये बच्चों और युवाओं के शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। मिलेट फूड बुजुर्गों के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर में जिन तत्वों की कमी हो जाती है ये उनकी पूर्ति करता है। मिलेट फूड में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो कई प्रकार की बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये किसानों के लिए भी एक लाभकारी फसल है। बाजरे की खेती में पक्षियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बाजरा सभी प्रकार के पक्षियों का मनपसंद खाना है। बाजरे का सिट्टा पौधे के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर लगता है, इसलिए पक्षी इसे बड़ी आसानी से अपना आहार बना लेते हैं। हर फसल की तरह बाजरे की फसल भी समय आने पर पककर तैयार हो जाती है। इसकी कटाई दो तरह से होती है। कुछ किसान बाजरे के सिट्टे को पौधे के ऊपर से काट लेते हैं, बाकी बचा हुआ पौधा मवेशियों के लिए चारे के रूप में बचा लिया जाता है। कुछ किसान पूरे पौधे को काटकर सिट्टे को अलग करते हैं। सिट्टे से दाने निकालने का काम आजकल बहुत से किसान मशीनों के माध्यम से कर रहे हैं। जहां फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है वहां मशीन ही इस्तेमाल की जाती है। ऐसी मशीनें खरीदने के लिए भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इन फसलों के किसानों को अच्छे दाम मिल जाते हैं, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। बहुत से किसान आज भी दाने अलग करने के लिए पारंपरिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक लकड़ी से बाजरे के सिट्टों की कुटाई की जाती है। इस तरह दाने अलग कर लिए जाते हैं। अलग किए गए दाने साफ करके सुखाए जाते हैं। दोनों को एक सुरक्षित और साफ जगह पर रखकर अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। बाजरे से रोटी बनाने के लिए दाने पिसवाने पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में अधिकतर किसान आज भी दाने पिसवाने के लिए घराट या पंचक्की को ही प्राथमिकता देते हैं। दाने पिसवाने का ये सदियों पुराना तरीका आज भी बहुत से गांव देहात में इस्तेमाल में लाया जाता है। लोगों का मानना है कि घराट में पिसवाए जाने से बाजरे के दानों में मौजूद पौष्टिक तत्व को नुकसान नहीं पहुंचता है। मिलेट फूड में एक अनाज है बाजरा। बाजरा हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
बाजरे से भी कई सारी चीजें बनती हैं, जैसे बाजरे की रोटी, बाजरे का लड्डू और भी कई सारी चीजें। हमारे शहरों में ये चीजें आज देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन आज हम एक गांव की रसोई में आए हैं जहां बाजरे की रोटी बनाई जा रही है। तो चलो आओ देखते हैं बाजरे की रोटी कैसे बनती है। बाजरे के आटे से बनी रोटी को भी टोडा ही कहते हैं। बाजरे की रोटी को पौष्टिकता का भंडार कहा जा सकता है। बाजरे यानी मिलेट फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बड़ी मात्रा में कैलोरीज, कई प्रकार की विटामिन्स, कैल्शियम और सोडियम के अलावा अन्य अनेक प्रकार के पौष्टिक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। इसीलिए बाजरे की रोटी को एक बढ़िया, अच्छी, स्वादिष्ट और पूर्ण खुराक माना जाता है। बाजरे की रोटी बनाने का तरीका बड़ा सरल है। इसकी रोटी के लिए पेड़े तैयार करने से लेकर उसे रोटी का आकार देने तक का सारा काम हाथों से ही करना पड़ता है। इसमें चकला बेलन की भूमिका ना के बराबर रहती है। रोटी का स्वाद और उसकी पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए इसे अधिकतर किसान परिवार चूल्हे पर ही बनाते हैं। रोटी को तवे पर ही पकाया जाता है। पकाने के लिए भी आंच कितनी होनी चाहिए इसकी जानकारी जरूरी है। बाजरे की रोटी तैयार हो जाने पर इसे सब्जी, दही और चटनी वगैरह के साथ परोसा जाता है। गांव देहात में केवल किसान ही नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए बाजरे की रोटी मनपसंद भोजन है। आज हम देखेंगे कि बाजरे के लड्डू कैसे बनते हैं। अक्सर सर्दियों में जब हम नानी के घर जाते थे तो नानी हमें बाजरे के लड्डू देती थी, तो जो खाने में बहुत अच्छे होते थे। हमने नानी से कई बार पूछा कि नानी ये बनते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी तुम छोटी हो तो तुम्हें अभी जरूरत नहीं है सीखने की। फिर भी हम चोरी चोरी देखते थे उनकी रसोई में कि वो कैसे बनाती हैं। उसमें वो डालती थी जैसे घी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, गुड़ हो गया और बाजरे का आटा तो ऑब्वियसली होगा ही। जब वो देखती थी मैं उनको कि कैसे बना रहे हैं, तो बड़े मैं चाव से देखती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी बाजरे के लड्डू बनाऊंगी। तो आज चलो आपको भी दिखाते हैं कि लड्डू कैसे बनते हैं। इसे बनाने की विधि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाजरे के आटे को घी में मिलाकर अच्छी तरह से भून लिया जाता है। थोड़ा सा भून जाने पर इसमें पहले से टुकड़ों में काट कर रखे गए सूखे मेवे को मिला दिया जाता है। भूनने की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक इसका रंग लाल ना हो जाए। भुने हुए बाजरे के आटे को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके ठंडा होने तक गुड़ की चाशनी तैयार की जाती है। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसकर एक कढ़ाई में पानी में उबाला जाता है। जब तक वो गुड़ पूरी तरह घुलकर चाशनी ना बन जाए तब तक उसे उबाला जाता है। चाशनी तैयार होने पर उसे भुने हुए बाजरे के आटे में मिला दिया जाता है। इसके बाद सामान्य तरीके से हाथों से लड्डू तैयार किए जाते हैं। सर्दियों में ये लड्डू बहुत पसंद किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बाजरे की खेती कैसे की जाती है और उससे क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं। जब इन किसानों की फसलें कटने के लिए तैयार होती हैं, तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये अपनी खुशी का इजहार नाच गाकर करते हैं, जिनमें से एक है गीतड़ू। तो आइए देखते हैं। Ah!
गीतों में भी पारंपरिक अन्न का जिक्र मिलता है। जम्मू के प्रसिद्ध लोक नृत्य गीतड़ू में भी बाजरे की खेती और उसकी अन्य विशेषताएं बताई गई हैं। केवल खास समारोहों पर बल्कि फसल तैयार होने पर भी गीतड़ू के रूप में अपनी खुशी प्रकट करते हैं।